के नाम है, खसरे की नकल, बीवर की नकल, और ये इसलिए कि धन्ना की जमीन कहीं पन्ना के नाम तो नहीं करते कोई नहीं। कई बार हो जाता है कि नहीं हो जाता, अरे हो जाता कि नहीं, और इसलिए गड़बड़ कहीं हो गई हो तो तत्काल पता चल जाए, और इसलिए हर साल ये काम रखा जाएगा, और अगर कोई गड़बड़ पाई गई तो उस गड़बड़ को ग्राम पंचायत ग्राम सभा सुधार सकेगी। एक बात, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कई लोग गलत नियत से आदिवासी की जमीन हड़पने की कोशिश करते हैं, कई तो आदिवासी बेटी से शादी कर ली और जमीन खरीद ली, पता नहीं कहां से आ गए, अलग धर्म से आ जाते, शादी करी और इसलिए शादी, और शादी भी पहली नहीं होती, तीसरी चौथी पांचवी शादी होगी, बताइए। अब बेचारी वो बेटी, उसे शादी की और जमीन आदि किसी की खरीद ली इसलिए कि उसके नाम पे जमीन इनके कब्जे में आ जाए, वो जगह तो पंचायत के चुनाव लड़ा देते, खुद नहीं लड़ते तो शादी करते। देखो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर धर्मांतरण का कुचक्र मैं चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं। और ये लव जिहाद, इस मतलब कहीं नहीं है, ये जिहाद ही जिहाद, मध्य प्रदेश में ये भी नहीं चलेगा। एक और कला कानून हम बनाने वाले, गलत नहीं है, जमीन हड़प लो अपने नाम करवा लो, सरपंच जी लड़ लो, ये नहीं चलेगा। और इसलिए अगर ऐसी हरकत कोई करता है तो हम कानून भी कड़ा बनाएंगे, और ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो ऐसी जमीन फिर उसके पास ना जाने दे, हस्तक्षेप करके रोक ले और आदिवासी के पास ही वो जमीन रहे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं, जमीन का अधिकार। मैं एक बात और, अगर अपने ग्राम सभा के अंदर कोई रेत है, पत्थर की खदान है, गिट्टी है, छोटी मोटी चीजें जिसको गौड़ खनिज कहते हैं, अब उनको सरकार नीलाम नहीं करेगी, अगर ग्राम सभा चाहेगी तो ही उनका सर्वे होगा। ग्राम सभा अगर ये चाहेगी कि हमारे गांव की खदान हमारे गांव में ही रहे, ग्राम सभा उसकी व्यवस्था देखे, तो सरकार नीलाम नहीं करेगी, ग्राम सभा के आधिपत्य में ही वो रहेगी। अरे देखो कोई गरीब आदमी है गांव का, वो गिट्टी पत्थर का काम करना चाहता है, वो क्रेशर चलाना चाहता है, तो उसको अधिकार नहीं है क्या? अरे गरीब के भी क्रेशर चल जाने दो भैया, तो गांव की जमीन गांव में ही रहे, उसमें पहला हक आदिवासी जो सोसाइटी रहेगी उसका होगा, पेशा ग्राम में केवल, मैं पेशा गांव की बात केवल कर रहा हूं। दूसरा हक जो महिला होगी आदिवासी उसका होगा, तीसरा फिर पुरुष का होगा, ये पेशा अधिकार देता है। मेरे बहनों और भाइयों, जमीन का अधिकार ऐसे एक नहीं कई अधिकार पेशा एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। अब दूसरा अधिकार है जंगल का अधिकार। देखो दो तरह की वनोपज होती है, एक होती है हर्रा बहेड़ा आंवला चार अचार सिरोजी गुठली। मैं आया था पातालकोट एक बार, पातालकोट में जब प्रेम नारायण जी विधायक होते थे तो वहां मुझे बताया आदिवासी भाई बहनों ने कि हमारी चार की चिरौंजी चार पहियों में चली जाती। तब हमने तय किया था किसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। अब पेशा में ये जितनी गौण मैंने वनोपज बताई, ये सारी वनोपज इनको इकट्ठा करने का और बेचने का अधिकार उसी गांव को दे दिया गया है, आदिवासी भाई बहनों को दे दिया गया है। और बेचना भी तो किस रेट पर बेचना है, ये रेट भी आप तय करेंगे, आदिवासी भाई बहन या उस गांव में जो और है वो मिलकर तय करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने बीनी हमने तोड़ी तो हमारी तो बिकी 4-6 रुपया किलो और दूसरा बेचे 400 रुपया किलो, ये नहीं होगा, ये अधिकार आपको दिया गया है। बोलो होना चाहिए कि नहीं अधिकार, अरे जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं, ये अधिकार दिया गया है।
गरीब के पास चार पैसे ज्यादा आए और रेट भी अलग ग्राम सभा एक ग्राम सभा भी तय कर सकती है, ग्राम सभा का पूरा समूह भी तय कर सकता है जब 25 ग्राम सभा मिलकर करेंगे। अब दूसरी वनोपज और होती है तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता होता है ना छिंदवाड़ा जिले में। अब तेंदू पत्ता हम तोड़ते हैं तो अभी तेंदू पत्ता कौन तोड़ते हैं? वनोपज संघ, फॉरेस्ट वाले। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप चाहोगे तो तेंदू पत्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं तोड़ेगा, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा, तेंदू पत्ता ग्राम सभा खुद तोड़ेगी, खुद सुखाएगी और खुद बेचने का काम करेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां से बताओ समझेगी नहीं, जोर से बोलो समझेगी नहीं। जो ग्राम सभा, फिर से सुन लो, जो ग्राम